और उसकी अध्यक्षता जो है मिस्टर साइमन कमीशन नाम के एक व्यक्ति थे, उनको उसका अध्यक्ष बनाया। तो वो लोग जब भारत आए, तो जैसे ही भारत आए और भारत में आने के बाद में जैसे ही कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को पता चला कि साइमन कमीशन यह भारत के अंदर आ रहा है और वो भारत के अंदर यहाँ की जो अछूत जाति है, अछूत व्यक्ति हैं, उनकी स्थिति जानने आ रहा है, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अगर इन लोगों की वास्तविक स्थिति वहाँ अंग्रेज़ों को पता चल गई, अंग्रेजी हुकूमत को पता चल गई, तो इनको अधिकार मिल जाएंगे। नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं राजेश कुमारी जी, जो कि बहुजन समाज की बहुत बड़ी शुभचिंतक हैं और बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि अंग्रेजों के ज़माने में साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते थे, तो साइमन किस लिए भारत आए थे और साइमन गो बैक के नारे क्यों लगाए जाते थे? जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने सवाल किया साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन एक ऐसा समूह था, 7 लोगों की एक ऐसी टीम थी जो भारत के अंदर ये देखने आए थे कि भारत में जो जाति व्यवस्था है या अछूत जो लोग हैं, जिनसे छुआछूत की जाती है, उनकी वास्तविक स्थिति है क्या। और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पत्राचार के माध्यम से बार बार खत लिख करके वहाँ के प्रधानमंत्री मिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड जी को ये बताया कि हमारे यहाँ पर हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हमारी स्थिति को आप ध्यान दें और हमें जो है अधिकार दिलाएं। बाबा साहब लगातार पत्राचार करते रहे, बार बार पत्राचार करते रहे, तो उन पत्रों से जब वहाँ वो अधिकारी पढ़ते थे तो वो हक्के बक्के रह जाते थे, अचंभित रह जाते थे कि एक मानव दूसरे मानव के साथ ऐसा भी व्यवहार कर सकता है, एक मानव दूसरे के साथ ऐसा पशुवत व्यवहार कर सकता है। तो वो इस बात को देख के बड़े अचंभे में रह जाते थे, लेकिन बाबा साहब चुप नहीं बैठते थे। बाबा साहब फिर रिमाइंडर देते थे, बाबा साहब फिर एक नया लेटर लिखते थे, तो बाबा साहब का सिलसिला ऐसे जो है ना लेटरों का चलता रहता था। और वो हमेशा यहाँ की अब यहाँ पे ऐसा हुआ, अब यहाँ पे ऐसा हुआ, अब ये घटना हो गई, अब ये घटना हो गई है। तो जब बार 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 उन लोगों ने इतनी सारी घटनाएँ यहाँ की देखी भारत की, तो उन्होंने एक एक क्या कहते हैं एक समूह का गठन किया साइमन कमीशन का, और उसकी अध्यक्षता जो है मिस्टर साइमन कमीशन नाम के एक व्यक्ति थे, उनको उसका अध्यक्ष बनाया। तो वो लोग जब भारत आए, तो जैसे ही भारत आए और भारत में आने के बाद में जैसे ही कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को पता चला कि साइमन कमीशन यह भारत के अंदर आ रहा है और वो भारत के अंदर यहाँ की जो अछूत जाति है, अछूत व्यक्ति हैं, उनकी स्थिति जानने आ रहा है, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अगर इन लोगों की वास्तविक स्थिति वहाँ अंग्रेज़ों को पता चल गई, अंग्रेजी हुकूमत को पता चल गई, तो इनको अधिकार मिल जाएंगे, और इनको अधिकार मिल जाएंगे तो हम शासन किस पे करेंगे। तो ये यहाँ के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि हमें अधिकार मिले। तो उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने कहा कि भई ये जो है, जो साइमन कमीशन जो आ रहा है, ये जो है क्या करने आ रहा है, किसी को पता ही नहीं है, ये क्यों आ रहा है, किसने बुलाया है, इसकी क्या वो है। तो वो बड़ा उसका विरोध किया। जब विरोध किया तो लाहौर के अंदर इन लोगों ने साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए, और काले झंडे दिखाने के साथ साथ उनसे कहा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, और साइमन गो बैक के नारे लगवाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी वहाँ गए लाहौर के अंदर, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वहाँ जा कर के 400 पेज का लेटर जो साइमन को दिया कि यहाँ की जो भारत की स्थिति है वो उससे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, बाकी तो आप घूम ही रहे हैं।
लेकिन यहाँ के जो लोग थे, जो मनुवादी लोग थे, उन्होंने क्या काम किया, जैसा आज भी होता आ रहा है कि ब्राह्मणों के घरों में जा कर के खाना अछूत लोगों को खिलाया, और ब्राह्मणों ने अछूत लोगों के घरों में जाके खाना खाया, उनकी झुग्गियों में जा कर के खाना खाया, और ये दिखाया साइमन कमीशन को कि देखो हमारे अंदर बहुत अच्छा भाईचारा है। लेकिन साइमन कमीशन ने देखा कि उसने अपने आधार पे भी रिपोर्ट तैयार की, वो गांव-गांव में गया तो गांव-गांव में जाकर के उन्होंने देखा कि गांव के अंदर कुएं अलग अलग हैं, कई कुएं ऐसे हैं कि ये किसका कुआ है, ये जाट का कुआ है, ये किसका कुआ है, ये उस समाज का कुआ है। तो साहब समझ गए, जो साइमन कमीशन थे वो समझ गए कि अलग अलग कुएं होने का मतलब नहीं है, जब यहाँ गांव है पूरे तो पूरे गांव का एक कुआ होना चाहिए। तो पहले तालाबों से पानी भी पिया करते थे, तो तालाबों को देखा, तालाबों में भी वही व्यवस्था। तो तालाबों में जब बाबा साहब ने देखा कि बाबा साहब उनके साथ कहीं गए, तो एक जगह बाबा साहब ने देखा अपने साथ एक कुत्ता भी बाबा साहब लेके गए, तो वो कुत्ता अपने स्वभाव के मुताबिक तुरंत पानी में घुस गया और जब वहाँ से पानी पी के भी आया और अपना नहा नहू के अपना आ गया बाहर। लेकिन बाबा साहब ने एक आदमी को कहा, अपने समाज के अछूत व्यक्ति को कहा कि भई आप जाके यहाँ पानी पिए, तो वो पहले तो डर गया, साइमन कमीशन देख रहा था, डर गया, फिर वो गया जैसे ही, तो उसके ऊपर मनुवादियों ने हमला कर दिया। तो वहाँ जैसे तैसे बाबा साहब, साइमन कमीशन और जो लोग थे वो अपनी जान बचाई, एक मुस्लिम बस्ती में जाकर अपने आप को छुपाया। तो ऐसी व्यवस्था जब साइमन कमीशन ने देखी, और आगे लखनऊ के पास एक किसी गांव में वो गए, एक मंदिर था, तो उसमें मनुवादियों ने पहले एक हमारे समाज की बुढ़िया को बिठा दिया कि माता जी आपसे साइमन पूछेगा कि आप मंदिर जाते हो, तो आप कहना कि जी हाँ मैं मंदिर जाती हूँ, खूब भजन करती हूँ, कीर्तन करती हूँ, और अपना एक दो घंटे बैठ के आती हूँ, तो ऐसे बोलना। तो साइमन ने पूछा कि माता जी आप यहाँ सीढ़ियों पर क्यों बैठे हो, बेटा मैं तो मंदिर हो के आई हूँ और मैं पूजा करके आई हूँ। तो साइमन कहने लगे कि आप ऐसे करो कि वो जो मंदिर के अंदर गुलाब का फूल है वो तोड़ के ले आओ। अब माता जी मंदिर जाए तो गुलाब का फूल टूटे ना, तो वो जाए नहीं। अब वो साइमन कमीशन कहने लगा माता जी आओ आओ मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ, तो माता जी का हाथ पकड़ के वो उसे खींचने लगा, लेकिन वो माता जी की पकड़ को नहीं छुड़ा पाया, माता जी सीढ़ियों को पकड़ के बैठ गई। तो साइमन समझ गया कि ये जो है एक दिखावा है, इनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है। तो साइमन ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया, वहाँ पानी के लिए लिख दिया, वहाँ मंदिर के लिए लिख दिया, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी। तो जब ये लाहौर का मैं जिक्र और कर देती हूँ, जब साइमन गो बैक के नारे लगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा वो एक विरोध हो गया था, तो वहाँ लाठियाँ वाठियाँ इन लोगों ने चला दी थी। तो उसी विरोध के दौरान हमारे लाला लाजपत राय जी थे, तो उनको लाठी लगी और लाला लाजपत राय जी उस विरोध में मारे गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि साइमन समझ गया था कि भई ये कैसी व्यवस्था है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं वो वास्तव में सच कहते हैं और सही कह रहे हैं। तो साइमन कमीशन जो यहाँ तीन फरवरी 1928 को इस देश के अंदर आया था, और उन्होंने 30 नवंबर 1930 को अपनी रिपोर्ट बना करके वहाँ के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल को सौंप दी थी, और उसमें उन्होंने क्या लिखा था वो हाँ कोई नहीं जानता, और उसमें उन्होंने किस तरह की साइमन किस लिए भारत आया, वो क्या चाहता था, वो सब चीज़ें आज तक हमारे तो सामने आई नहीं है, और हमें जो किताबों में पढ़ाया गया इतना पढ़ाया गया है कि जो साइमन यहाँ आया था उसके अंदर जो 7 सदस्य थे उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए उसका विरोध किया, जबकि ये बिल्कुल झूठ है, निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सब के सब जो आए थे वो यही यहाँ की जो निम्न क्लास की जो श्रेणी है उसकी स्थिति को जांचने के लिए आए थे कि वास्तव में इनकी स्थिति जो डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या डॉक्टर अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सारी अध्ययन करने के बाद उन लोगों को समझ में आ गया कि डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इनकी स्थिति जानवरों से भी बदतर है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए
हमें जो अंग्रेज़ों ने अधिकार दिए, और यही साइमन का जो भारत में आगमन था, इतना ही जो साइमन का वो है रोल। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी राजेश कुमारी जी का, जिन्होंने हमारे चैनल से बात की। धन्यवाद मैम। जय जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।